लोगों की इतनी जुर्रत, हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? यंग ब्लड हो, टीवी पे कह रहे हैं देश का भविष्य हो। जो ये संग्राम चलाया ना यहां, तो फिर अधर्म का नाश करना पड़ेगा। मैंने अच्छे बच्चे बन के रहना है, वंदे मातरम कहना। किसने की शाहरुख की तारीफ? करण ने क्या कहा शाहरुख के बारे में? करण ने क्या कहा नई जनरेशन के बारे में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। बॉलीवुड को लेकर अक्सर कहा जाता है कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के साथ ही स्टारडम का युग खत्म हो जाएगा। इस पर काफी चर्चा होती है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर ने भी कमेंट किया है। करण ने सुपर स्टारडम पर खुलकर बातें की और कहा कि आज की जनरेशन में वो जादू नहीं है जो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान में था। करण ने बताया कि ये सुपरस्टारडम बॉक्स ऑफिस फिगर्स के हिसाब से नहीं है, बल्कि ये उनकी मिस्ट्री की वजह से है। करण ने कहा, आज के जनरेशन में ज्यादा अच्छे कलाकार हो सकते हैं, लेकिन मैं स्टारडम की बात करूं तो वो चार्म और मिस्ट्री किसी के पास नहीं है। उन्होंने आगे कहा, चार्मिंग, मैजिक एंड मिस्ट्री, मुझे नहीं लगता कि ये सब इसी पीढ़ी के पास है। जब मैं एक पार्टी में था और मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर दिलीप कुमार एंड मिस्टर शाहरुख खान अंदर आए, तो हर किसी का सिर उसी तरफ घूम गया। मैंने सच में ऐसा देखा है। वो ऑरा, हर कोई उनकी प्रेजेंस महसूस करता है। उनमें वो पावर थी, वो स्टारडम था, वो महिमा थी। आज के जनरेशन पर बात करते हुए करण ने कहा, लोगों को पता है कि आप किस जिम में जाते हैं, आप क्या खाते हैं, आप किससे मिलते हैं। लोग आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आपके बारे में कोई मिस्ट्री कैसे हो सकती है? साथ ही करण ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब उस तरह का स्टारडम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत या सही बात है, लेकिन ये है। मेरा मतलब है कि इसी पीढ़ी के पास कुछ सबसे शानदार कलाकार हैं, लेकिन क्या उनके पास वो जादू, वो आभा है? मुझे नहीं लगता। शाहरुख के बारे में बताते हुए करण कहते हैं, जब शाहरुख खान मेरी पार्टी में आए तो आप वहां मौजूद यंग जनरेशन की जबरदस्त एनर्जी को महसूस कर सकते थे। शाहरुख शाहरुख है। अगर वो अभी अंदर चला आए तो आप भी उसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। आप शाहरुख को महसूस कर सकते हैं। मेरी पार्टी में वो अकेला था जो रेड कारपेट पर नहीं चला, वो पीछे से सीधे अंदर आया। इसलिए मैं देख सकता था कि युवा फिल्म कलाकारों में अनन्या पांडे से लेकर उनके साथियों तक सभी ने शाहरुख के ऑरा को महसूस किया। दोस्तों, इसी के साथ साथ शाहरुख खान कई बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं शाहरुख खान को जल्द ही बड़े पर्दे पर देखने के लिए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज़।